बात ऐसी है भाई, मैंने कल उसके ऊपर बात की कि इस राज्य के गृहमंत्री है जो पूर्व मुख्यमंत्री है, अचानक अपनी सुरक्षा व्यवस्था खुद ही बढ़ा रहे हैं। गृहमंत्री दूसरों को सुरक्षा देता है, लेकिन ये गृहमंत्री जो है अपनी खुद की सुरक्षा बढ़ा देता है अचानक से। हमने देखा उनके घर के बाहर फोर्स वन कमांडोज खड़े हैं, 200 कमांडोज खड़े हैं नागपुर में, वो जहां जा रहे पूरा घेर लिया उनको। तो ये हमारी चिंता है कि हमारे राज्य के गृहमंत्री को किससे धोखा निर्माण हो गया है, क्या उनको जान को खतरा है, लेकिन किसके तरफ से धोखा है हमको ये समझना चाहिए। इस राज्य की जनता को समझना चाहिए कि हमारे गृहमंत्री इतने डरे हुए क्यों है, उनके ऊपर कौन हमला करना चाहता है, ये किसकी साजिश है। हमें बताइए कि अचानक से फोर्स वन के कमांडो के घेरे में हमारे गृहमंत्री घूम रहे हैं, क्या हुआ है, क्या उनके ऊपर इसराइल हमला करने वाला है, लीबिया हमला करने वाला है, कौन करने वाला है, मुझे यूक्रेन के लोग आने वाले हैं, युद्ध होने वाला है उनके साथ, बताइए ना, बताने में क्या है। रश्मि शुक्ला जो है भारतीय जनता पार्टी की डीजी, उसने तो बताना चाहिए कि भाई क्या है ये,